खेसारी जी का और रितेश जी का कंट्रोवर्सी चल रहा है गाने को लेकर, क्या आपने गाना सुना है वो? जी नहीं। नहीं सुना आपने? जी नहीं। जी मेरा इसमें दो तरह का किरदार है, एक तो पहले एक बहुत ही मवाली लड़की का रोल है, और जो हम जब फ्लैश में जाते हैं, जब पीरियड ड्रामा के बारे में हम बात करते हैं, तब उसमें एक प्रिंसेस का एक राजकुमारी का किरदार निभा रही हूँ। तो बहुत सारा वेरिएशंस करने मिल रहा है इस फिल्म में, एंड एज एन एक्टर आई एम एंजॉइंग अलॉट। फिल्म के हीरो अमरीश जी है, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में क्या कहूँ, बहुत बढ़िया है, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस फिल्म में। मैंने उनका और भी काम देखा है पहले, बट उस सबसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हुए उनको इस फिल्म में देखने। सो आई जस्ट विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, भगवान करे आगे उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो इस इंडस्ट्री में। आने वाली क्या क्या फिल्में हैं आम्रपाली जी आपकी? अभी फ़िलहाल तो राजमहल आएगी बहुत जल्दी, होली पर हम लोग रोमियो राजा लेकर आ रहे हैं, और निरहुआ द लीडर बन के रेडी है, वो भी एक अच्छी रिलीज डेट देख कर रिलीज़ होगी। तो बहुत सारी फिल्में लाइन अप हैं। बहुत सारी हीरोइनें गाना गा रही है आम्रपाली जी, आप भी गायकी में उतर गई हो? जी एक्चुअली शुरू मैंने ही किया था। जी जी शुरू मैंने ही किया था, सब गा रही है, फिर मुझे अब लगता है कि मैं नहीं गाऊं, क्योंकि सब इतना अच्छा अच्छा गाती हैं, मुझे लग रहा है शुरू करके गलती कर दी थी, अच्छी अच्छी सिंगर निकल गई हैं सब। बट आई एम रियली हैप्पी, बहुत सब लड़कियाँ बहुत टैलेंटेड हैं, और जब उनको अपना टैलेंट ब्रॉडकास्ट करने का एक और प्लेटफॉर्म मिलता है तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। आई रियली पर्सनली बिलीव इन कि यू नो यहाँ पे आप अपने टैलेंट को जिस भी तरह से ब्रॉडकास्ट कर सको और उसको एनकैश कर सको, आपको करना चाहिए। और जब लड़कियाँ ऐसा करती हैं, अपनी सुरीली आवाज़ में गाती हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अमरपाली जी, पवन जी के साथ, दिनेश जी के साथ कई फिल्में आपने किया, और भी कई लड़कों के साथ किया, खेसारी जी के साथ कोई मूवी आपकी कब आएगी, जरा दर्शक पूछते हैं हमेशा। ये हमसे पूछ रहे हैं संजय जी, संजय भूषण जी। हम नहीं पूछ रहे हैं, दर्शक पूछ रहे हैं। खेसारी जी के पीआरओ हैं शायद जी, दर्शक पूछ रहे हैं आप है ना, आप क्यों नहीं पूछते अपने स्टार से? बट नहीं, हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर बात कर रहे हैं, मेरी और खेसारी जी की बात हमेशा होती रहती है। तो हम लोग एक अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं जो हम साथ में करें और ऑडियंस को बहुत मज़ा आए, क्योंकि हमने गाना साथ में किया था दुल्हन गंगा पार के फिल्म का, और वो गाना बहुत बड़ा हिट था। तो हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे सब्जेक्ट पर साथ में काम करें ताकि फिल्म भी बहुत बड़ी हिट हो। तो अभी वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, और जब बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट हम लोग को मिल जाएगी तो हम पक्का साथ में काम करेंगे। खेसारी जी के साथ कोई लेटेस्ट गाना गाने की इच्छा है आपकी? गाना गाने की? हाँ नहीं, गाना गाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ सोलो गाऊंगी। सोलो गाऊंगी, क्योंकि बाकी सबके साथ गाऊंगी तो पता चल जाएगा ना कितना अच्छा गाती हूँ कितना बुरा गाती हूँ। खेसारी जी का और रितेश जी का कंट्रोवर्सी चल रहा है गाने को लेकर, क्या आपने गाना सुना है वो? जी नहीं। नहीं सुना आपने? जी नहीं। दर्शकों से कुछ कहेंगे जाते थे? दर्शकों से यही कहूंगी कि नया साल आ गया है, नए साल में भगवान आप सबको ढेर सारी नई खुशियां दे, बहुत तरक्की दे, अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, और खूब ऐश करें। धन्यवाद।